जो डिस्कस करेंगे इट इज़ सूडो ऑर्डर रिएक्शन. सूडो मतलब नाम से ही पता चल रहा है हमें दैट द रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एक्सपेक्टेड बाय यूजिंग रेट लॉ. कि हमें रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर सपोज 2 लगे बट उसका एक्चुअल ऑर्डर आए 1, या हमें रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर 1 लग रहा है पर एक्चुअल ऑर्डर 0 आ रहा है. मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर वो ऑर्डर ना होके कोई दूसरा ऑर्डर आए तो उसको कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल पूछी जाती है. मैं फिर से बता रही हूँ, रिएक्शंस हुज एक्चुअल ऑर्डर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड बाय यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो इसमें हमने जो एग्जाम्पल लिए, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए. इसमें एल्काइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, हमें दे रहा है एल्कोहल, प्लस हमें मिल रहा है यहाँ पे एल्कोहल और HCl. यहाँ पे हमारे पास HCl आना था, मैंने गलती से यार लिख दिया है H, यहाँ पे H है. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारे पास 2 है. क्यों? क्योंकि रेट किसके इक्वल है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, और इन दोनों का ऑर्डर कितना आ गया, 1+1 2. तो हमको एक्सपेक्टेड ऑर्डर 2 लग रहा है, बट एक्चुअली रेट किसके इक्वल है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली RCl. तो ऑर्डर कितना हुआ, 1. तो यहाँ पे ऑर्डर एक्सपेक्टेड था 2 बट एक्चुअल ऑर्डर कितना आया, 1. तो ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन. अब इसमें क्यों 1 आया, क्योंकि वाटर इज़ टेकन इन एक्सेस, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया हुआ है, देयरफॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज़ टेकन एज कॉन्स्टेंट. तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट लिया जाता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता. तो रेट सिर्फ किसके इक्वल बचा हमारे पास, RCl के, और ऑर्डर कितना आया आपके पास, 1.